प्रदेश के 4.5 लाख सरकारी कर्मियों का 4% डीए बढ़ा, पेंशनरों को भी जनवरी से मिलेगा। जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए 4% महंगाई भत्ता डीए बढ़ाया गया है। इससे पेंशनरों के साथ प्रदेश के 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय लाभ मिलेगा। मौजूदा मूल पेंशन, मूल पारिवारिक पेंशन और मूल वेतन पर महंगाई भत्ता 38% मिल रहा था, जिसे अब बढ़ाकर 42% कर दिया गया है। यह 1 जनवरी 2023 से लागू होगा। वित्त विभाग के निदेशक जनरल कोर्स SL पंडिता की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई है। इसमें कोई विशेष वेतन नहीं दिया जाएगा। महंगाई भत्ते का जनवरी से एरियर का भुगतान मई के वेतन में नकद किया जाएगा और यह अतिरिक्त किस्त के तौर पर दिया जाएगा। पेंशन मामलों में पुनः रोजगार के मामले में अलग से प्रावधान होगा। जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत डीए और वेतन दिया जा रहा है। खासतौर पर बड़े वेतन स्तर के कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी से अधिक वित्तीय लाभ मिलेगा। कई कर्मचारियों का मासिक वेतन स्तर 1 लाख रुपए से ऊपर है, इससे उन्हें पिछले 4 महीने का एरियर जारी किया जाएगा।